सानेहा साहिवाल, तहकीकात आगे बढ़ने लगी। मकतूल खलील के लवाहिकीन के बयान रिकॉर्ड। खलील की गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला पुलिस और रेस्क्यू को दी। खलील और बच्चे न मिलने पर 15 पर पुलिस के साथ तल्ख कलाबी भी हुई। रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया तो चारों लाशें अस्पताल से लाई गई। बयान का मतन, खलील के बेटे उमैर का बयान तहरीरी तौर पर GIT को पेश। तर्जुमान वजीर आला कहते हैं सानेहा साहिवाल, 7 रोज में इंसाफ होगा, 14 फरवरी तक इंसाफ न हुआ तो जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। सानेहा साहिवाल के मुतासरीन के GIT को दिए बयान का मामला, खलील के जख्मी बेटे उमैर का बयान मंजरे आम पर आ गया। 8 बजे घर से निकले, कादराबाद पहुंचे तो किसी ने गाड़ी पर फायर किया। निकाबपोश अहलकारों ने अंकल जीशान को मार दिया। जीशान को मारने के बाद पुलिस अहलकारों ने किसी से फोन पर बात की। अब्बू ने बोला जो चाहो ले लो, लेकिन हमें ना मारो, माफ कर दो। फोन बंद होने के बाद अहलकारों ने दोबारा फायरिंग कर दी। फायरिंग से अब्बू, अम्मी और बहन जान की बाजी हार गए। पुलिस वाले हमें डाले में लेकर गए, वीराने में छोड़ दिया। गाड़ी से कोई दहशतगर्दी का सामान बरामद नहीं हुआ। उमैर का बयान। बागवानपुरा में मदरसे के कारी का मुबैना तशद्दुद, 7 साल तालिब इल्म जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन का मैयत प्रेस क्लब के बाहर रखकर एहतजाज। कारी की गिरफ्तारी का मुतालबा, मुतवफी लाला मूसा का रिहायशी था, 6 माह कबल लाहौर आया। पुलिस के साथ मुजाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वजीर आला पंजाब का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब। दुनिया बदली, जमाना बदला, अस्पतालों की हालत ना बदली। सरकारी अस्पतालों की 6 में से 4 MRI मशीनें खराब। जनरल की 2 सर्विसेज और जिना की 1-1 मशीन बंद। लोग 12,000 का टेस्ट जेब से करवाने पर मजबूर। लाहौर न्यूज पर खबर चलने पर मुशीर सेहत ने नोटिस ले लिया। खराब मशीनें फौरी तौर पर ठीक करवाई जाएंगी। नई मशीनें खरीदने के टेंडर्स भी जारी किए जाएंगे। हनीफ पताफी। नून लीग के एक और साबिक वजीर नैब के शिकंजे में। नैब कराची ने साबिक विफाकी वजीर कामरान माइकल को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। कामरान माइकल को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा आज लाहौर हाईकोर्ट में अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में जेर इल्तवा मुकदमात के जल्द फैसले करने के हवाले से तबादला ख्याल होगा। चेयरमैनों का असर रसूख, टेंडर मनसूख। चेयरमैन इतिहाद के सामने लॉर्ड मेयर ने हथियार डाल दिए। बड़े मुतालबे मंजूर। शहर में 7 करोड़ के मरम्मती कामों के 40 टेंडर मनसूख। गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स, मेन होल्स और सड़कों की मरम्मत कब और कैसे होगी, अहले लाहौर परेशान। SP इकबाल टाउन अली रजा को कमला सब इंस्पेक्टर ले डूबा। सब इंस्पेक्टर नवीद ने रोज नामचे में शिकायत लिखी थी। SP अली रजा को OSD बना दिया गया। SHO की मोहर्रर थाना से बदजुबानी का भी नोटिस। थाना डिफेंस के SHO अली जवाद भी मुअत्तल। SP कैंट वाके के इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हो गए। बदजुबानी और बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। CCPO। तनाजात के हल के लिए जलई की सतह पर मुसालती कमेटियां बनेंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार दूसरे शहरों तक बढ़ाने का फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को इंतजामी और माहौलियाती खुद मुख्तारी मिलेगी। 3 शहरों में कम लागत घरों की तामीर की मंजूरी। PKLI एक्ट और PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अराकीन की नामजदगी। ईस्टर्न बाईपास के लिए अराजी की मुंतकली की मंजूरी। पंजाब काबीना ने 40 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा, अब्दुल अलीम खान का इस्तीफा मंजूर। बिशारत राजा को वज़ीर बल्दियात का भी इजाफी कलमदान दे दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के बाऊ रिजवान ने सूबाई वजीर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। नाराज वजीर अमार यासिर का भी इस्तीफा वापस लेने का फैसला। फयाज चौहान कहते हैं जो शरीक सोच रहे हैं थे पंजाब हुकूमत गिर जाएगी, वो सुन लें, हम 5 साल पूरे करेंगे।
कौन एनआरओ मांग रहा है, किसको एनआरओ मिल रहा है? अलीम खान जिसका एटीएम है इसकी तरफ भी सवाल उठना चाहिए। अलीम खान को तवाजुन के दिखावे के लिए गिरफ्तार किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद चाकी मीडिया से गुफ्तगू। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में मुल्क का साथ दिया। मुल्क को सही मानों में रियासत मदीना बनाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फ्लैटिस होटल में तकरीब से खिताब। मौलाना ताहिर अशरफी बोले, दीनी मामलात में वुजरा उलमा से रहनुमाई लें, मुल्क को रियासत मदीना बना दे तो 100 साल हुकूमत देने को तैयार हैं। हम मुश्किल हालात से निकल चुके हैं। इमरान खान रोजाना 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। मुल्क की तारीख का एक नया और सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। हमारी हुकूमत 5 साल बाद मजीद 5 साल भी रहेगी। वजीर आजम के मुआवन खसूसी नईमुल हक का गार्डन टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में तकरीब से खिताब। टैक्स निजाम पेचीदा है, आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मगलिंग के खात्मे की संजीदा कोशिशें जारी हैं। अली मकान से कानून के मुताबिक टैक्स रिकवरी की जाएगी। चेयरमैन एफबीआर जहां जेब खान का इकबाल टाउन में कॉन्फ्रेंस से खिताब। एपीएमएल के चेयरमैन डॉक्टर अमजद की अपने तमाम साथियों समेत पीटीआई में शमूलियत। बरकत मार्केट में शमूलियत की तकरीब का एहतमाम। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ अरशद दाद ने पार्टी में खुशामदीद कहा। बोले, पार्टी ने नए अरकान का इजाफा हुकूमत पर अवामी तहफ्फुज का नतीजा है। इमरान खान का कोई जाती एजेंडा नहीं, हमारा साथ दें, सबको साथ लेकर चलेंगे। मुल्क तरक्की करेगा तो कौम तरक्की करेगी। वहां मुंतकिल किया जाए जहां सहूलियात हों। नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कंट्रोल है। कम नमक, कम चिकनाई, कम प्रोटीन वाली गजाएं इस्तेमाल करें। हर वक्त माहिरे इमराज़े कल्ब की जरूरत है। मेडिकल बोर्ड की नवाज शरीफ की बीमारी से मुतालिक सिफारिशात लाहौर न्यूज को मौसूल। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। इमारतों को गैर कानूनी करार देने वालों की अपनी इमारत गैर कानूनी निकली। पीपा हेड ऑफिस के नक्शे की मंजूरी किसी मजाज अथॉरिटी से ना ली गई। शहरियों के मसाइल और शिकायत के हल के लिए खुली कचहरियां। जिला इंतजामिया ने अमल दरामद रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 284 दरखास्तें मौसूल हुई। वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की जेर सिदारत पंजाब फूड अथॉरिटी का इजलास। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने गुज़िश्ता बरस की कार्रवाइयों और रवा साल की मनसूबाबंदी बारे ब्रीफिंग दी। सड़क पर हादसात क्यों होते हैं, वजूहात और हल क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक आगाही सेमिनार। मुकर्ररीन के खसूसी लेक्चर से हाजरीन मुस्तफीद हुए। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख पर आयद टैक्स में इजाफा। लाहौर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन मैदान में आ गई। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि हुकूमत ने 3 मुतालबात पूरे ना किए तो भरपूर एहतजाज करेंगे। गैर मुल्की स्मगलर हसीना एक बार फिर अदालत पेश। एक और तारीख मिलने पर टीसा मायूस। केस का फैसला रवा माह होने का इम्कान। सियासत के बाद खेल में भी बड़ा यू टर्न। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अहदेदारान की अजीब मंतक। इस्तीफे के बाद दोबारा अहदे पर बराजमान। कोचिस के बाद जनरल सेक्रेटरी शबाज सीनियर ने भी अहदा संभाल लिया। हॉकी टीम की नाकिस कारकर्दगी का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। टीम जनूबी अफ्रीका में तवक्को के मुताबिक नहीं खेली। हेड कोच मिकी ऑर्थर का एतराफ, कहते हैं वर्ल्ड कप से पहले मजबूत स्क्वाड तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे।
लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सेमिनार, कश्मीरियों पर मुजालिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कश्मीरी गुलूकार ने पुरकशिश आवाज में कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। पीसी होटल में सालाना डॉक्टर्स कौन फैमिली मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, पहले रोज खवातीन के इमराज के हवाले से आगाही लेक्चर्स दिए गए। चेयरमैन डॉक्टर्स कौन डॉक्टर आफताब इकबाल शेख, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अल्ताफ चीमा समेत दीगर माहिरीन शरीक हुए। टॉपर्स लॉ कॉलेज के तुलबा का सेशन अदालत का दौरा, जजेज और सीनियर वकला से मुलाकात, बराए रास्त अदालती कार्रवाई देखी, साइलिन से इनके मुकदमात की नौयत से मुतालिक सवालात भी किए। शहर गुल में जश्न बहारा मनाने की तैयारियां, अरूज पर लाहौर को रंग बिरंगे फूलों और रोशनियों से सजाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद कहती हैं कि इस बार स्प्रिंग जबरदस्त होगा, लाहौरियों से मिलकर फरवरी और मार्च को यादगार बनाएंगे। और जिंदा दिलान के शहर में खाबों का मेला, जलानी पार्क में ईद फेस्टिवल सज गया, देसी चाइनीज और मुख्तलिफ इनवा के खानों के स्टॉल्स, लजीज खानों के शौकीन बड़ी तादाद में उमड़ आए।